वही लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना के पूर्व मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अरुण यादव अल्प प्रवास पर कटनी पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं से सौहार्द रूप से भेंट कर उन्हें जान फूंकने की कोशिश करते हुए नजर आए। इस दौरान अरुण यादव मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव स्वर्गीय फिरोज अहमद के घर पर रुके, जहां उनका भव्य रूप से स्वागत किया गया। सिहोरा जबलपुर के नेताओं की टोली भी साथ रही। वही कटनी की महिला नेत्रियों ने अपनी बात अरुण यादव के सामने रखी। देखिए, समूचे देश भर में बदलाव की बयार स्पष्ट नजर आती है और प्रधानमंत्री जी जो जब चुनाव शुरू हुआ था तब उन्होंने अब की बार 400 पार का नारा देने वाले प्रधानमंत्री जी और भाजपा की और आप शुरू के बाद अगर आपके भाषण देखेंगे आप होंगे तो अब की बार 400 पार का नारा भाजपा ने लगाना बंद कर दिया है और देश के प्रधानमंत्री जिस भाषा शैली का उपयोग अपने भाषणों में कर रहे हैं उससे स्पष्ट होता है कि देश में अब भाजपा की सरकार पुनः नहीं बनने वाली है और महागठबंधन की सरकार राहुल जी, सोनिया जी और जो हमारे महागठबंधन के जो साथी हैं उनके साथ मिलकर एक मजबूत सरकार देश में बनाएंगे। जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, बहुत अच्छा चुनाव हम लोगों ने लोकसभा का लड़ा, प्रदेश में भी बदलाव की बयान है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हम 12 से 15 सीटें और इसकी झोली में मध्य प्रदेश डालें।